हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर गूगल आईडी या कहें कि जीमेल आईडी जो है ओपन करना सिखाने वाला हूं। इसके लिए आप लोगों के पास में दो चीज़ें होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो आपके पास में होना चाहिए एक एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन जो कि वर्किंग हो, और दूसरा जो है आप लोगों के पास में होना चाहिए एक वेब ब्राउज़र। अगर आप लोगों के फ़ोन में वेब ब्राउज़र नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दे दूंगा जो कि पॉपुलर ब्राउज़र्स हैं। इन्हें अपने लैपटॉप के अंदर डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद में आप लोगों को सिंपली गूगल क्रोम या फिर किसी वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से जो है स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर दोस्तों, अगर आप लोगों ने साइन इन नहीं किया हुआ है तो आप लोगों को ऐसी स्क्रीन देखने के लिए नहीं मिलती है, बल्कि कुछ ऐसे देखने के लिए मिलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए जरा, कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप सोचेंगे भाई इसमें और पहले वाले में क्या फ़र्क था, तो फ़र्क है दोस्तों ये कि अभी हम लोगों ने इसके अंदर अपनी गूगल आईडी लॉगिन नहीं करी हुई है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर साइन इन का बटन देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम लोग लॉगिन किए हुए रहते हैं तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से जो है वो साइन इन की जगह पर जीमेल और इमेजेस के ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को जो है अपनी गूगल आईडी भी देखने के लिए मिल जाती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अपनी जीमेल आईडी या गूगल आईडी को कैसे लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को जो है google.com पर चले जाना है। google.com पर जाने के बाद में आप लोगों को सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है, जिससे आप लोगों के सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने अगर पहले से ही जीमेल आईडी बनाई हुई है तो आप लोग यहाँ पर अपना जो है रजिस्टर्ड ईमेल या फिर फ़ोन नंबर इंटर करके पासवर्ड डाल दीजिएगा। और अगर आप लोगों के पास में अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट के बटन पर क्लिक करके अपना एक न्यू जो है जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। तो दोस्तों मेरे पास में जो है अभी ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी आईडी डालना होगी। आईडी डालने के बाद में दोस्तों आप लोगों को अपने अकाउंट का यहाँ पर पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड डालने के बाद में आप लोगों को सिंपल जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। पासवर्ड डालने के बाद से ही दोस्तों आप लोगों के सामने अब कुछ इस तरीके से स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी, जो कि यह बताता है कि आप लोगों का जो है वो गूगल अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। इसे चेक करने के लिए आप लोग जो है यहाँ पर राइट साइड में देख पाएंगे अपनी प्रोफाइल को भी, तो आप यहाँ पर जो है ईमेल आईडी भी देख पाएंगे जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और आप लोगों को यहाँ पर जो है डायरेक्टली जीमेल का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलेगा। आप जीमेल पर अगर क्लिक करते हैं तो आप लोग अपने ईमेल एड्रेस पर आने वाले या ईमेल एड्रेस से जाने वाले ईमेल्स को भी चेक कर सकते हैं। अब आप लोग जो है अपना सब कुछ काम यहाँ पर कंटिन्यूस कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपली जो है जीमेल आईडी लॉगिन करना सिखाया है। गाइस, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की और भी टेक्निकल वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो ओके गाइस, दिस इज कैसे करें टेक यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।